जो भी मुझे मेरे दोनों हेलमेट कैरी करने हैं, क्योंकि मंडी में ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार कोई हेलमेट मांग दिया तो फिर मैं अपना नया हेलमेट नहीं देने वाला, और कई बार कोई मंडी से साथ हो जाता है आने जाने वाला, तो उस रीज़न से भी। पर ये हेलमेट मेरे बैग में क्यों नहीं जा रहा? सुबह से कंबल भी नहीं उठाए, पता नहीं कौन रहता है इस कमरे में। अभी मैं तो नहीं रहता, मेरा तो ये रूम ही नहीं है। I forgot my gloves. पहले बाइक को लगा लेंगे कोल्ड स्टार्ट पे। What the fuck? क्लियरली न्यूट्रल शो हो रहा है। ये देखो न्यूट्रल अब स्टार्ट होगी। वाह, और ऐसा क्यों हुआ? आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा। अब मैं लग रहा हूँ एकदम प्योर वाइडर जो कि फॉरेन से आया है। माय वॉलेट, माय कीज, माय मोबाइल। बाइक की सर्विस भी है कराने के लिए, मैंने कराई नहीं अभी तक। हाय लिटिल गर्ल, मेरा माइक तो लगा हुआ है। माइक तो मेरा लगा हुआ है। पिछली वीडियो में एंगल थोड़ा सही नहीं आया था, क्योंकि हम उसमें दो लोग बैठे हुए थे, तो एंगल थोड़ा सा अप हो गया। मेरे को ज़्यादा आगे बैठना पड़ा क्योंकि हमारे पास बैग्स भी थे, जिससे एंगल थोड़ा सा अप हो गया। और मतलब इतने सारे पोर्शन आया, जैसे मैं अकेले बैठा हूँ तो मेरी राइडिंग पोजीशन अलग होती है। कई बार जस्ट नोट अच्छे से फिक्स नहीं करा हो तो ये थोड़ी सी दिक्कत करता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ मंडी, काफ़ी दिनों से ये चला हुआ है, मंडी से घर, घर से मंडी। उसके अलावा कुछ भी नहीं करा मैंने घूमने के प्लान्स तो बनाए थे पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं हो रहा, और अकेले तो घर वाले भेजेंगे नहीं, और मौसम भी साथ नहीं दे रहा। तो ये मुझे लगता है मेरे को ऐसे ही चला जाएगा बर्बाद। मेरे को पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था, और उस कमेंट में लिखा था कि मैंने उस बंदे के 10 मिनट वेस्ट कर दिए। और एक और कमेंट आया हुआ था कि बहुत ही बोरिंग वीडियो है, और जो मेरी जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल लगा हुआ था मैंने हाउ टू बिकम अ बिग यूट्यूबर। अब मेरे पास भी हेटर्स है, मेरे को कितनी खुशी हो रही है जान की कि मेरे पास भी हेटर्स है। किसी महान आदमी ने कहा था कि अगर तुम्हारे हेटर्स है तो समझ लो कि तुम तरक्की पे जा रहे हो। कितने सालों से वेट करा मैंने हेटर का, एक साल बाद जाके मेरे को कोई हेटर मिला। मैं हेटर इस बेसिस पे कह सकता हूँ, जो दो कमेंट आए हुए थे वो दोनों एक ही बंदे के आए हुए थे, और वो भी अलग अलग आईडी से, तो हेटर नहीं हुआ तो क्या हुआ? सपोर्टर। तो इसीलिए मैं शेयर नहीं करता वीडियो, ताकि जिसको देखनी हो देखे, जिसको नहीं देखनी हो अनसब्सक्राइब करे और चलता बने। आज तक मेरी किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करा उस बंदे ने कि भाई नाइस वीडियो, अच्छी बनी है वीडियो, क्या क्रिएटिव वीडियो बनाई है, कभी नहीं। और कमेंट कर रहे हैं कि भाई मज़ा नहीं आया, ये तो हेटर्स की निशानी होती है। आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज आई हैव हेटर्स। मेरे को मेरा दोस्त पूछ भी रहा था कि भाई तेरे को हेट कमेंट नहीं आते? मैंने बोला नहीं आते मेरे को, कमेंट ही नहीं आते, तो हेट कमेंट आने का तो सवाल ही नहीं होता। आज जाके मैं उसको बताऊंगा कि मेरे को हेट कमेंट आया है। आई एम सो हैप्पी। अब लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे कुछ उखाड़ पाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि मैं इस साल के लिए कोई गोल सेट करे जाए, और इस साल के एंड पे मेरे कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए। इस साल के एंड में मेरे पास होने चाहिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ये है मेरा इस साल का गोल, इस साल के एंड में हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, इसलिए मुझे अभी अकड़ में रहना चाहिए, नहीं तो लोग बनेंगे कल दिन फेमस हो के अकड़ आ गए बंदे में, इसलिए अभी इसे अकड़ दिखाना स्टार्ट कर दो। पर वो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, बहुत ही ज़्यादा। जो मैंने शॉर्ट डाली थी मिनी ब्लॉग, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 1.8 या 1.9 की व्यूज चले गए हैं। जब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर वाली वीडियो में कि मेरे अभी 69 ही सब्सक्राइबर हैं, तो उस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर बचे 67। वो पता नहीं कैसे, लगता लोग ऑफेंड हो गए, पर मेरे को ऐसे ज़रूरत भी नहीं है ऐसे की इतना लोग ऑफेंड हो गए, कोई बात नहीं। मैं अपना मिनी व्लॉग अपलोड करा तो उसके बाद मेरे 67 से सीधा 70 हो गए, 3 सब्सक्राइबर की ग्रोथ। तो मैं शायद ट्राई करूँगा अब से मिनी व्लॉग्स भी डालने की, क्योंकि मिनी व्लॉग्स डालने से मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे,
और मेरा वॉइस ओवर भी अच्छा होगा। ओ कम ऑन, पानी मत फेंको, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था मेरे स्टोरी टेलिंग के स्किल अच्छे होंगे, जिससे मैं नॉर्मल वीडियो में भी स्टोरी टेलिंग कर पाऊँगा। स्किल सीखना जरूरी है, स्किल, मैं एक स्किल के भरोसे नहीं बैठ सकता, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं सोचता हूँ मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करूँ, मैं कर भी रहा हूँ हल्का हल्का लाइफस्टाइल दिखा के, मैं ज़्यादा लाइफस्टाइल दिखाना भी नहीं चाहता अपना, कि जैसे मतलब जो मेरा मन करेगा मैं उतना ही दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मंडी में तो ऐसा, मैंने आज वीडियो बनाई, 2-3 घंटे में एडिट कर दी और उसके बाद अपलोड करने के लिए लगा दी, आधे कर घंटे में हो जाती है अपलोड वीडियो। पर घर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपलोड होने के लिए, और घर में काम भी बहुत होते हैं, और ये रोड पर इतने ज़्यादा जंप क्यों लग रहे हैं। इस टाइम बोलते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मैं एडिट करने बैठता हूँ फिर मेरे को पता लगता है कि मेरी आवाज़ में कितनी कंपन आ रही होती है इस ख़राब रोड की वजह से। लुक एट द व्यू, सो डैम गुड, पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैं इस टाइम नी डाउन वगैरह और ज़्यादा लीन ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम मैं उतराई पे हूँ और मेरे टायर भी अच्छे से हीट नहीं हुए होंगे क्योंकि ठंड है, और मैं जहाँ भी न्यूट्रल ही लाऊँ इस टाइम, न्यूट्रल ही जा रहा हूँ मैं इस टाइम। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे से, मेरी बेइज्जती करेगा गाड़ी वाला। और जो मेरा हीटर है मैं उसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें वीडियो नहीं पसंद आती तो अनसब्सक्राइब करो और रहने दो। तुम टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते सही टाइम पे। बंदा चाहता तो एक ही आईडी से कमेंट कर सकते, दो आईडी से कमेंट करा हुआ है। वाह 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 वाह, कितना एफर्ट। 2 hours later सो इस वक्त मैं हूँ अपने रूम में और मेरे साथ हो चुका है एक हादसा। ये देख पा रहे हो, मेरा माउंट अभी भी टूट गया आते बार। ये देखियो यहाँ से क्रैक हुआ है, ये पोर्शन यहाँ पे लगता था अब यहाँ से अलग ही हो चुका है। पैसा बर्बाद और करियर ख़त्म, अब और क्या ही किया जा सकता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे को नया चेस्ट माउंट ऑर्डर करना चाहिए, या तो कुछ जुगाड़ बिठा के इसे लगाना चाहिए। जुगाड़ से ये होगा कि ये मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, अगर मैं इसको जुगाड़ से बिठाऊँ तो इतना चांस होगा कि ये टूट जाए फिर से, क्योंकि जब से मैंने लिया तब से ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करा इसने। मेरे को बार बार ऐसे धागे लगा लगा के इसको फिक्स करना पड़ा है जगह जगह से, इनफैक्ट मेरे को इस वाले पॉइंट पे भी धागे लगा के इसका एंगल ठीक करना पड़ा। अब ये टूट चुका है तो मेरे को क्या फिर से ही पूरा ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, हो सकते हैं इसके ये वाले चीज़ें अलग से मिले या ना मिले, देखते हैं क्या बनता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।